जीएस कॉलेज में पेपर लीक करने का मामला निकलकर सामने आया है और युवा क्रांति के संगठनों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। हालांकि कॉलेज प्रबंधन ने इसकी जांच शुरू कर दी है। क्या मामला है हम जान लेते हैं। संगठन के सदस्य हमारे साथ युवा क्रांति के मौजूद हैं। ये क्या मामला है और किस तरह से आप लोग ये आंदोलन करने की भूमिका बना रहे हैं? सर, ये युवा क्रांति द्वारा उठाया गया वो मामला है जिसमें कॉलेज के पेपर लीक हुए थे, जिसका पेपर कॉलेज प्रशासन उस पेपर को पोस्टपोन कर दिया गया था। लेकिन एक पेपर का कंटिन्यूशन में 3 से 4 पेपर लीक आउट हुए जिसके ज्ञापन युवा क्रांति ने विश्वविद्यालय रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में दिया, उसका जिस पर जाँच की जा रही है। और युवा क्रांति के आगे की स्ट्रेटजी ये है कि भैया अगर इन पर FIR या जाँच नहीं की जाए, क्योंकि शिक्षा हम सबका बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, उस पर बार बार ये चोट हो रही है जिससे हम सब आहत हैं। हमारा ये है कि अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तो सोमवार से हम जिन जिन कॉलेजों के खिलाफ ये हमारे पास शिकायतें आई हैं, हम उन कॉलेज के पास गांधीवादी तरीके से बैठकर आंदोलन करेंगे। राम कीर्तन का, रामधूम कीर्तन का उसके खिलाफ कमिश्नर, कलेक्ट्रेट और यूनिवर्सिटी तीनों जगह ज्ञापन दिया था, जिसके बाद संबंधित फर्म का ठेका निरस्त कर दिया गया और नई फर्म को इसका ठेका दिया गया। लेकिन ये कोई जवाब नहीं होता कि आप गलती कर रहे हो तो आपको ठेका निरस्त कर दिया जाए। जिन्होंने गलती की उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये GS कॉलेज जो सेकंड मैटर है, इस कॉलेज में भी जिनकी वजह से पेपर लीक हुए उनके खिलाफ भी अभी कोई अनुशासन हितमत की कार्रवाई या फिर कोई FIR लॉन्च नहीं की। रानी दुर्गावती भी इसकी जांच कर रहा है, क्या उम्मीद है यूनिवर्सिटी निष्पक्ष रूप से जांच कर पाएगा इस पूरे मामले की? जानकारी शिकायत हमें महोदय को देने गए थे बट वहाँ पर वो उपस्थित नहीं थे, तो हमने अपनी परीक्षा नियंत्रक को उसकी शिकायत दी थी, जो उनने हमको पूर्णतः उन्हें स्वस्थ किया है कि इसकी हम पूरी जांच करवाएंगे और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उनकी जांच के द्वारा ही आज जो उस कमेटी में परीक्षा नियंत्रक GS कॉलेज ऑटोनोमस में जो परीक्षा नियंत्रक है उनको उन पद से मतलब उनके खिलाफ कार्रवाई जारी कर दी गई प्रशासन द्वारा, जांच स्टार्ट कर दी गई है। आप पेपर पोस्टपोन कर दिए गए, हमारी शिकायत के बाद ही पेपर पोस्टपोन हुए। पहला प्रैक्टिकल का भी पेपर लीक हुआ है उसकी हमने शिकायत करी और 16 तारीख का पेपर जो लीक हुआ है उसको ऑडिटिंग का उसको चेंज कर दिया, इंटरचेंज किया। ये तो अभी ऑटोनोमस हुआ है? नहीं, अभी लीक हुआ है और चेंज हो गया है। तो अभी शुरुआत इसकी हो गई है और GS कॉलेज पे आरोप लग रहे हैं युवा क्रांति संगठन। क्या देखने वाली बात होगी यूनिवर्सिटी और कॉलेज प्रबंधन इस पर क्या निष्कर्ष निकलता है और क्या कार्रवाई होती है? कैमरा पर्सन संदीप साहब, विवेक तिवारी, पंजाब KCTV, जबलपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।